मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरा है। कई जिलों में रविवार सोमवार की दरमियानी रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। भोपाल में भी रात 2 बजे से शुरू हुई, वहीं हल्की बारिश सोमवार को भी जारी है। बारिश के बाद अब अगले कुछ दिनों में सर्दी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। भोपाल में 2.6 डिग्री की गिरावट हुई है, 27.7 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। इंदौर में पारा 3.1 डिग्री लुढ़क कर 25 डिग्री तक पहुंच गया है। ग्वालियर में 26.4 डिग्री और जबलपुर में 27.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। झाबुआ में 110.3 मिनट में वर्षा दर्ज की गई है और इसके अलावा जो है ईस्ट एमपी में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। छिंदवाड़ा और सागर में वर्षा दर्ज की गई है, छिंदवाड़ा में 3 मिलीमीटर और सागर में 1 मिलीमीटर। तो अब ये सिस्टम जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है, तो आज जो है वर्षा गतिविधियां जो है पूर्व की तरफ स्थान से जाएंगी। तो वहाँ उम्मीद कर रहे हैं आज जो है हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं भारी वर्षा होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है और हम देख रहे हैं लगातार कल से लेकर आज तक वर्षा का माहौल बना हुआ है। राजधानी में भी हम यही हाल देख रहे हैं, राजधानी में आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी सूर्य देवता के उस प्रकार से दर्शन नहीं हो पाए हैं जिस प्रकार से आम जनता को निकलना चाहिए। अगर मैं अभी भी बात करूँ तो लोगों को यहाँ पर इस टाइम भी जो लाइट है, लाइट लगाकर ही अपनी गाड़ियों का यहाँ से चलना पड़ रहा है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं देखने में भी दिक्कत हो रही है। हवा अभी चल रही है, सुबह से वर्षा का दौर चल रहा था, सुबह से के पानी गिर रहा था, लेकिन जिस प्रकार से ठंड का भी बात की जाए तो ठंड ने भी अपना जोर पकड़ लिया है। लोगों को अभी भी अपने स्वेटर पहनना अब शुरू कर दिया है। अगर हम 3 दिन पुरानी बात करें तो 3 दिन पहले भी तक हम देख रहे थे कि लोगों के स्वेटर नहीं निकल पाए थे या गर्म कपड़े नहीं निकले थे, लेकिन 3 दिन के बाद से अब यहां पर यह माहौल देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से देखा जाए तो अब लोगों को अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। और लगातार मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 29 तारीख तक इसी प्रकार का मौसम रहेगा और ठंड का असर हमें 30 तारीख से और देखने को मिलेगा। देखा होगा 30 तारीख के बाद जो एक बार और बरसात की बात कर रहा है मौसम विभाग, वो कितनी असर डालता है। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ संजय डोंगर, भोपाल।